फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिटरमिनेंट्स हमने सॉल्व किया था, डिटरमिनेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में हमने बहुत सारे बेसिक नॉलेज देखे थे और उसके कुछ एग्जांपल को भी सॉल्व किया था बस। बट अभी इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्रैमर्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने क्रैमर्स के भी बहुत सारे बेसिक रूल जो थे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, आप लोग को अच्छे से समझा भी होगा, लेकिन अब इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल के साथ करेंगे जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दो इक्वेशन दिया गया है, 5x + 3y = -11 और दूसरा इक्वेशन दिया है 2x + 4y = -10। अब इसको बोला गया है कि सॉल्व करो क्रैमर मेथड से। तो क्रैमर मेथड में सॉल्व करने के लिए आपको तीन चीज की जरूरत पड़ती है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आपको एक डी चाहिए रहता है और एक dx चाहिए रहता है और लास्ट में एक dy चाहिए रहता है, dx dy। और आपको पता है फॉर्मूला, इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है, x = dx/d और y = dy/d। इसलिए हमको सबसे पहले dx dy निकालना पड़ेगा। तो आप लोग, आपको मैंने डी और डी एक्स और डी वाई के मैंने कुछ अलग अलग से अपने से मेथड बना के दिए थे, बेसिक ट्रिक बना के दिए थे कि डी के लिए हमको क्या अप्लाई करना है, डी एक्स के लिए क्या अप्लाई करना है, डी वाई के लिए क्या अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है d = a1/a2 v1/b2। मैंने आप लोग को डी के लिए देखिए लिखा के दिया था 1, 2, ये मैंने डी के लिए दिखा दिया था। तो डी तुम्हारा क्या है, ये है और ये है ना, दोनों एक पहला है तुम्हारा और क्या है दूसरा, मीन हम लोग हमारा ए और बी है। तो a1/a2 और b1/b2 मतलब 5/2 और 3/4 अपना हो गया 1/2। और इसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हम लोग का डिटरमिनेंट्स हो गया ना, 5 × 4 और 3 × 2 और बीच में क्या करना है आपको, माइनस का साइन लगाना है। तो आपको पता है 5 × 4 क्या होता है, 20 होता है और 3 × 2 क्या होता है, 6 होता है। और आपको पता है 20 - 6 क्या हो जाएगा, 14, मीन्स आपको डी का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, 14 आ गया। अब हमको इसी तरह dx निकालना है। तो आपको पता होगा dx के लिए हमको क्या लगता है, 3rd and 2। मैंने आपको लिखा गया था छोटे ट्रिक्स में dx के लिए 3rd and 2। तो थर्ड हमारा क्या है, सी, इसको हम लोग सी बोलते हैं, और टू हमारा क्या है, बी। तो थर्ड क्या है, -11 - 10। यहाँ पर देखिए c1/c2 b1/b2 लिखा है यहाँ पर हमने, -11 - 10 और उसके बाद फिर 2 क्या है, 3 and 4। अब आपको पता है इसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। और आपको मैंने बताया है जब भी माइनस का सम आए सॉल्व करने के लिए तो माइनस वाले नंबर को आपको क्या करना है, ब्रैकेट में करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है -11 × 4 बीच में माइनस का साइन, यहाँ पर 3 × -10। तो आपको पता है -11 × 4 कितना होगा, -44 हो जाएगा। मैंने इस माइनस साइन को ऐसी रखा है और 3 × 10 क्या होगा, 30 और यहाँ पर माइनस। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपको पता है -14 + 30। अब ये देखिए यहाँ पर माइनस का साइन है और ये साइन किसका है, प्लस का है। तो आपको अच्छे से पता होगा कि माइनस और प्लस का साइन मिलकर क्या होता है, माइनस होता है। मीन्स मुझे 40 में से 30 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और जब 44 में से 30 को अगर माइनस करोगे आप लोग तो कितना आएगा, 14 आएगा। अब बात रही साइन कौन सा लगेगा, तो साइन के लिए आपको मैंने एक अच्छा सा ट्रिक बताया है कि जो भी हाईएस्ट वैल्यू है उसके सामने जो भी साइन दिया जाएगा वो आपको लगाना है। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 44 का साइन कौन सा है, माइनस। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। इससे हमारा dx का वैल्यू भी निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, dy के लिए। तो dy के लिए आपको पता है क्या लगने वाला है, फर्स्ट एंड थर्ड। मैंने आपको ट्रिक दिया था ना dy के लिए, फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट क्या है अपना a1 a2 है और थर्ड क्या है c1 c2 है। आप a1 a2 क्या है 5 2 और c1 c2 क्या है -11 10। मैंने आपको लिख दिया, देखो 5 2 -11 और -10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 × -10 -11 × 2। तो आपको पता है 5 × 10 कितना होगा, -15। माइनस को मैंने ऐसे रखा है, 11 × 2 = 22 और ये माइनस का साइन। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -50 + 22 कितना आएगा, 28 आएगा और हाईएस्ट वैल्यू कितना है, 50 क्या क्या लगेगा, माइनस। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया, मीन्स मेरा dy का वैल्यू क्या आ गया, -28। अब अपना डी भी निकल गया, dx भी निकल गया और dy भी निकल गया। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, x = dx/d। dx का वैल्यू कितना है, -14 और d का वैल्यू कितना है, +14। तो -14/14 तो कितना आ जाएगा, -1, मीन्स x का वैल्यू कितना आ गया, -1 हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो y के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, dy/d
dy का वैल्यू कितना है -28 और d का वैल्यू कितना है 14, तो -28 अपॉन 14 कितना हो जाएगा 14 टू जा -28, यहाँ पर माइनस लग गया तो मीन्स x का वैल्यू कितना आ गया -2 हो गया। इस तरीके से आपका क्रैमर का सम एकदम इजी मेथड से सॉल्व हो गया है। अगर आपको किसी प्रकार की तकलीफ होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर भेज सकते हैं, तो आपको उसका सॉल्यूशन बहुत जल्द से जल्द मिल जाएगा। इस तरीके से हमारा 1.1, 1.2 और 1.3 के सारे क्वेश्चंस हो गए। अगर आपको ये तीनों प्रैक्टिस सेट से अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, आपको उसका सॉल्यूशन बहुत जल्द से जल्द मिल जाएगा। इस तरीके से वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।